अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबके रोज़े जो हैं बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। जैसे कि आज 5th रमज़ान हो चुका है और आप सब लोगों को जो ना 5th रमज़ान के सहरी और इफ्तार की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। पाकिस्तान के तो माशाल्लाह मौसम बहुत ही अच्छा है, तो पाकिस्तान में बात होती है मदर से तो उन्होंने बताती हैं कि आजकल बारिश हो जाती है, तो इसलिए जो है ना गर्मी इतनी नहीं है। रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे यूएई में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मार्च में इतना अच्छा मौसम है कि कल रात को भी बारिश हुई, 2 दफ़ा हुई। पहले तो हुई थी करीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब और फिर 2 बजे के करीब, जिसकी वजह से जो है ना दिन ठंडे हो गए, शाम अच्छी खासी ठंडी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रोज़ों का पता भी नहीं चला और रोज़े जो है वो इतनी तेज़ी से गुजरे हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि हमें जो है ना रोज़ों में ऐसा मौसम जो है वो मिला है, अदरवाइज़ मार्च में तो इतनी गर्मी होती है। तो आज के भी लोग में स्पेशल ये है कि आज मेरी बेटी का रोज़ा है, फ़र्स्ट रोज़ा है। वो माशाल्लाह 9 ईयर की है लेकिन उसने फ़र्स्ट रोज़ा आज रखा। ऑनऑफ रखती है लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते, तो आज माशाल्लाह उसने फ़र्स्ट रोज़ा कंप्लीट किया। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊँ, तो आज मैं फिर इफ्तार में बना रही थी शाही टुकड़े। बाकी एज़ यूजल बाकी समोसे पकौड़े और दही बड़े तो सब चलता ही है, तो मेरे था मैं कुछ मीठा बनाऊं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शाही टुकड़े बनाऊं। ये मैंने ब्रेड लेके उसको स्क्वायर में कट करके तो उसे फ्राई कर लिया था ऑयल में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ शुगर सिरप। मैंने थोड़ा सा पानी लिया तकरीबन 1/2 कप के करीब, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून शुगर डाल के मैंने इसको पका के इसका शुगर सिरप रख लिया। मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाया, बस 1 से 2 बॉयल आए तो मैंने इसको उतार लिया था। ये शाही टुकड़े ऐसी मज़े की रेसिपी है, एक तो टेस्टी बहुत लगती है और झटपट से रेडी हो जाती है, तो मैंने कहा इफ्तार में टाइम भी कम होता है और बच्चों को पसंद भी आती है तो क्यों ना ये बनाए। यहाँ पे मैंने 1 लीटर के करीब मिल्क ले लिया था और उसके अंदर मैंने डाला तकरीबन ये पाउडर मिल्क ऐड किया इसमें, और साथ ही में मैंने ऐड कर दिया इसके में 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर, ग्रीन इलायची का जो पाउडर होता है वो मैंने ऐड कर दिया। और जो पाउडर मिल्क डालने से ये कि इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है और ज़रा थिक हो जाता है। और यहाँ पे मैंने दूध को पकने के लिए रख दिया और काफ़ी पक पक के जो है वो 1 केजी से 1/2 केजी रह गया होगा। और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड की शुगर, और शुगर ऐड करने के बाद जो है मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया और इसके कूल जो है ना ठंडे मिल्क के अंदर मिक्स करके मैंने इस दूध के अंदर ऐड कर दिया, ताकि ये जो मेरा मिल्क है थोड़ा गाढ़ा हो जाए। आपको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा जो है ना वो थिन से थिक की जो है ना टेक्सचर में आ जाए तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने ब्रेड को जो है उसी सिरप के अंदर सोक किया और यहाँ पे मैंने इस ट्रे के अंदर इसको सेट कर लिया था। और यहाँ पे जो मेरा बैटर था वो गरम गरम ही था, दूध जो मैंने रेडी किया था। और ये देखिए बहुत थिन है, कस्टर्ड डालने से बहुत थिक नहीं हुआ क्योंकि मैंने बहुत कम डाला था कस्टर्ड। और यहाँ पे मैंने ये गरम गरम दूध जो है इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर ऐड कर दिया, और अभी मैं इसको गार्निश करूँगी ड्राई फ्रूट के साथ, तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और ये तो बहुत ही स्पेशल है मेरी बेटी के लिए। तो आप सब लोग भी दुआओं में उसे याद रखिएगा और उसके लिए बहुत बहुत दुआ कीजिएगा। और ये मेरे रेडी हो गए शाही टुकड़े और अभी मैं बना रही हूँ समोसे। आज मेरे पास पड़े हुए थे बॉक्स समोसा और रोल भी पड़े हुए थे पहले से जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, लेकिन वो कम थे तो ये भी बनाए और मैंने 3-7 समोसे भी फ्राई कर लिए। तो मैंने कहा भूख लगी होगी तो बच्चों को जो बनाए समोसा बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैं बना रही थी अभी समोसे। और ऑलरेडी जो है ना मैंने अपना डाइनिंग सेट कर लिया था स्पेशली हरीम के लिए, तो आज हमारा जो है ना स्पेशल इफ्तार डाइनिंग जो है ना वो हरीम के लिए सेट है। आज हरीम का फर्स्ट रोज़ा है, रोज़ा कशाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी ने आज फर्स्ट रोज़ा रखा है, बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो हरीम। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही आगे भी हिम्मत दे, हाँ, और इस्तेकामत दे, आप इसी तरह अपने रोज़े मुकम्मल कर सको। हाँ, आप जो चाहोगे वो मिलेगा, आरिस को भी मिलेगा। मुझे मार्कर्स क्या चाहिए आपको? मार्कर्स मार्कर्स यू हैव टू मेनी मार्कर्स, यू वांट मोर्स? ओके, मुझे तोरान वाला प्लान चाहिए, मुझे बहुत रोना होता है। मुझे रोना क्या होता है? क्या चाहिए?
जो रेयान जो सारे उसके फैमिलीज होते हैं और वो ट्रेन के अंदर वो बिठा देते हैं और वो पाकिस्तान चले जाते हैं। तो हरीम को मार कर चाहिए और मेरे चलो हरीम को और मार कर रेयान प्लेन रेयान प्लेन ओके रेयान टेल हरीम भूख लगी आज आपका कैसा रोजा था पहले तो कैस... मैं वैसे भी नहीं खाती ज्यादा आज बट पहले तो ज्यादा मजा आ रहा था अच्छा आज खाना नहीं खाना तो मजा आएगा आज खाना नहीं खाएंगे जबरदस्ती की जरूरत नहीं है तो बाद में बस हो गई बाद में बस हो गई लेकिन फिर भी कंट्रोल किया अल्लाह ताला के लिए आपने कर लिया अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा इंशाल्लाह इस टाइम तो मैं खेल भी नहीं गई दिन के बच्चे आए थे खेलने के लिए फिर मेरी टूटी प्यास लग जाएगी चले आसान हो गए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दुआ करें ये हमारा चिड़ी रोजा है मेरे ओपन थैंक गॉड और अफ्तारी के बाद तो बच्चों ने डाल दिया शोर कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया हमें गिफ्ट लेके देंगे तो गिफ्ट लेके दें हरीम तो इतना तंग नहीं करी थी लेकिन हारिस ने तो ज़्यादा ही बोला नहीं आज बोला है तो आज ही गिफ्ट लेके दें तो हम इफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ी और फिर हम लोग निकल के बाहर गिफ्ट लेने के लिए बच्चों के तो बहुत अच्छा मौसम था बाहर का हवा भी अच्छी खासी चल रही थी और लग रहा था कि बच्चों की जैकेट लेनी चाहिए लेकिन ऑलरेडी हम लोग तो सारे सर्दियों के कपड़े भी संभाल के बैठ गए लेकिन अल्लाह का शुक्र है मौसम फिर से दोबारा बहुत अच्छा हो गया और इसके बाद हम लोगों ने खाया यहाँ पे अलबेक और क्योंकि इस वक्त रात के बज चुके थे 11 तो इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और फिर पहुँच गए घर तो होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा बाय